बता भैया, कल 31 दिसंबर रहा जो कि हनुमान जयंती थी। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग को पूजा पाठ करना था, लेकिन हमारी बहन बेटियां पूजा पाठ बीच रोड में शराब की दुकान के सामने की है। ये बड़े शर्म की बात है। सबको मालूम है, शासन को प्रशासन सबको मालूम है, सबको शिकायतों पर शिकायत दे रहे हैं, कलेक्टर को शिकायत है, डीएम को शिकायत, लेकिन उसके बाद कोई भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। मजबूरी में रोड में बैठना पड़ा। कल रोड में पूजा पाठ हुई और रोड में बैठकर आंदोलन किया गया और शराब की दुकान को बंद कराने की मांग रखी। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे? अधिकारी आ रहे हैं, बोल रहे हैं जगह बता। हम लोग कहा जगह बता भाई, जहाँ की ये दुकान है वो बाढ़ में जा रहा है, गड्ढा टोला की दुकान है, गड्ढा टोला लेगा। ये कौन सा तरीका कहीं भी थोक देना, ये तो नियम के विरुद्ध चल रहा है सारे कारोबार। आपका नाम? राजेश जाटो, पार्षद का। हाँ बता। कल हनुमान जयंती 31 मार्च का। हनुमान जयंती हमारे देश में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। सभी लोग इसमें बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, परंतु 31 मार्च और शराब ठेके की लास्ट डेट होने के कारण महिलाएं यहां से पूजा करने भी नहीं निकल सकी, और पूजा भी करी तो उन्होंने रोड पर क्यों करी, क्योंकि इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा था। इतनी सस्ती शराब थी कि बहुत ज़्यादा इस तरह से क्या ये जो भी मतलब दुकान है शराब की दुकानें, क्या सिर्फ गंदी बस्ती के लिए है या यहीं पर खोली जाती है? किसी पॉश कॉलोनी में खोल के तो देखी जाए, तब उन्हें पता चलेगा ना। गवर्नमेंट को क्या है, उसे तो सिर्फ राजस्व चाहिए, परंतु यही राजस्व क्या पॉश कॉलोनी वाले नहीं देंगे? क्यों ना इसके दुकान को उठाकर किसी पॉश कॉलोनी में खोला जाए। और ये तो ठीक है, परंतु इसके साथ ये भी बात है कि इस दुकान ये दुकान अलर्ट कहाँ हुई है? गड्ढा टोला में। परंतु ये खुली कहाँ है? वंशरूपाड़ में। जबकि वंशरूपाड़ से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों ना इस दुकान को उठाकर गड्ढा टोला में खोला जाए। और साथ ही इस बस्ती के क्या बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, या यहाँ की महिलाएं क्या गंदी बस्तियों की होने के कारण क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई आबरू नहीं है कि लोग यहाँ पे इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं? तो मेरा विचार तो यही है, क्यों ना इस दुकान को उठाकर या तो शहर से बाहर भेज दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कहीं और नहीं प्रयोग नहीं किए गए, हमारे MP के ही कई शहरों में ये प्रयोग किए जा चुके हैं कि शराब की दुकानों को उठाकर शहर से बाहर खोला गया है। तो मैं तो कटनी प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि क्यों ना इन शराब की दुकानों को, कलारियों को, पैकारियों को उठाकर शहर से बाहर कर दिया जाए। यदि प्रशासन मेरी बात समझे तो जरूर इस पर अमल करे। अगर इस पर यहाँ से दुकान नहीं उठाई जा रही तो आप लोग क्या करेंगे? जी, फिर इसके आगे अगला कदम हमारा आंदोलन उग्र होता जाएगा, भूख हड़ताल भी होंगी, इसके अलावा जो भी बन पड़ेगा हम वो सब कुछ करेंगे। और क्षेत्र की जनता, यहाँ तक कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष, वृद्ध, जो भी चाहेंगे, सारे लोग मिलकर हमको जो करना होगा हम वो करेंगे। इसके लिए ना हम शासन से डरेंगे, ना प्रशासन से डरेंगे, ना ही किसी अन्य से डरेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम माधुरी सिंह है, मैं कावसी वार्ड की निवासी हूँ।